الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد dear students السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسلاميات كلاس لكتشر نمبر 20 ہے سوره المدنیات ہم نے شروع کی ہوئی تھی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک قران پاک کی آیت کا ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان فات شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار أگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہیں اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ ان کا
बच्चों के साथ बर्ताव क्या था, बच्चों को मुफलसी की वजह से, भूख की वजह से कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन हिफाजत जिंदगी देना ये वालिद का फर्ज है। बच्चा बच्ची पैदा हुई तो उसकी हिफाजत करना किसके जिम्मे है, वालिदैन के जिम्मे। अगर बीमार हो जाती है या पैदा होते ही उनकी जरूरियात जिंदगी है वो किसके जिम्मे होगी, वालिद के जिम्मे होगी। आगे रज़ाक, आप देखें बच्चे की दूध का इंतजाम है रज़ाक की से, यानी दो साल तक दूध पिलाने ये किसके वालिद की जिम्मेदारी है कि अपना बच्चा जो पैदा हुआ उसको दूध पिलाने की जिम्मेदारी से करें। अगर बच्चे की सेहत तंदुरुस्त नहीं है फिर भी उसको अगर दूध पीने की जरूरत है तो क्या करेगा, उससे दूध पिलवाएगा। आगे तालीम तरबियत, यानी बच्चे की अच्छी तालीम और तरबियत करना। मिसाल के तौर पर चाहे वो इस्लामी जिंदगी है यानी इस्लामी तालीम है या असली तालीम है, दोनों के अंदर बच्चे के लिए क्या करना है, अच्छी तरबियत देना। तालीम तरबियत के अंदर आप देखें कि अगर बच्चा पैदा हुआ है तो साल का मुकम्मल हुआ उसके बाद आप बच्चे की अच्छी अखलाकी तरबियत शुरू कर दें, यानी जिस तरह वालिदैन नमाज पढ़ते हैं अपने साथ खड़ा कर देना, नमाज का तरीका इस तरह आपको देखकर वो उल्टा सीधा करता रहेगा, लेकिन जब बोलने के काबिल हो तो उसको सबसे पहले इस्लामी तालीमात यानी कलमा पढ़ाना है, नमाज के मसाइल बताने हैं, इन सब चीजों के अंदर 7 साल का जब हो जाए उसको नमाज के लिए लाजमी है, 10 साल में उसको सख्ती से नमाज के लिए मना करना, यानी कि ना पढ़ने पर उसको डांट डपट करें, क्योंकि इस्लाम के अंदर हदीस पाक के अंदर आता है जब बच्चा बालिग होने पर के अंदर लकड़ी भी लटकी होनी चाहिए उनकी तंबीह के लिए। देखें अगर हम कोई चीज काश्त करते हैं अगर हमको पानी ना दें गल सड़ जाएगी, तो ऐसे ही अगर हम औलाद की तरबियत ना करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत करते रहें, उनसे थोड़ी सी सख्ती ना करें तो वो हमारी औलाद जो है हमारे काम आगे नहीं आएगी, बल्कि हमारी बातों नहीं मानेगी, बल्कि उनके लिए जरूरी है कि हम उनकी परवरिश करने के लिए अच्छी तालीम और तरबियत के लिए सबसे पहले तो माँ की गोद होती है, अपना घर होता है, फिर बंदा जाकर अपने असातिज़ा से स्कूल से मदरसे से जाकर क्या करते सीखता है। तो सबसे पहले अच्छी तरबियत हमने घर से करनी है, फिर आगे मदारिस से या असली तालीम के लिए उनकी तालीम और तरबियत के लिए अच्छे स्कूल का इंतखाब करना। ये नहीं है कि हम ऐसे स्कूल के अंदर ऐसी जगह के अंदर ऐसे माहौल के अंदर भेजें जहां जाकर हमारा बच्चा जो है क्या है बिगड़ जाए, ये वाले की जिम्मेदारी होगी। आगे जरूरियात तालीम जरूरियात जिंदगी, देखो बच्चा पैदा हुआ तो उसकी जरूरियात जिंदगी यानी खाने पीने के लिए या लिबास के लिए ना नफके के लिए जो चीज भी जरूरियात जिंदगी के अंदर आती है वो सब की सब किसकी जिम्मेदारी है, वालिद की जिम्मेदारी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर औलाद पैदा हो गई है, बच्चे हैं बेटे हैं तो उनकी नाक नफका हो गया और उनके घर का इंतजाम हो गया, घर के अंदर पर्दे का इंतजाम, खुराक का इंतजाम, ये सारी चीजें किसकी जिम्मेदारी है, वालिद की जिम्मेदारी है। आगे एहसान करना, मिसाल के तौर पर वालिद साहब ने तो हमारी परवरिश कर दी है, परवरिश भी अच्छी की है, तालीम और तरबियत पर भी जोर दिया है, ये सब चीजें हमारे लिए की हैं, लेकिन बात बात पर हमें एहसान नहीं जताते, मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए फलां किया, इस पर एहसान नहीं जताता। बात इस तरह होता है कि औलाद अपने वालिदैन की ये बातें सुन सुनकर उनका अक्ल मफलूज हो जाता है, वो तंग आ जाते हैं वालिदैन की बातें सुन सुनकर, जिसकी बिना पर वो कोई कदम उठाने से उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस वजह से अगर आपने उनकी तालीम और तरबियत अच्छी की है, उनके लिए जरूरियात जिंदगी मुहैया की है, हिफाजत जिंदगी ली गई है, तो अब उनके लिए एहसान नहीं है। आगे दुआ शुक्र, यानी वालिदैन का हक बनता है कि अपनी औलाद के लिए खुसूसी दुआएं करें। हदीस पाक के अंदर आता है कि 3 आदमी ऐसे हैं कि जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, आदिल बादशाह जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआ कभी रद्द नहीं करते। दूसरी जगह मज़लूम जिस पर जुल्म
मजलूम की बददुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ही सुनते हैं, उनकी दुआ भी कभी रद्द नहीं होती। और वालिदैन की दुआ जो अपनी औलाद के हक में की है वो भी कभी रद्द नहीं होती। इसी वजह से कहा ना कि अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों तले। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमा रहे हैं, उफ़्फ़ु वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, के वालिदैन को उफ़ तक ना करो, उफ़्फ़ु वला तनहरहुमा, और उनको झिड़कना नहीं है, सख्त लहजे से बात नहीं करो। अल्लाह का कुरान कह रहे हैं, हालांकि नस पति है, नस पति कुरान पर मुनकर आ रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह के हम वालिदैन को क्या हद तक कह देते हैं, वालिदैन को घर से धक्के तक दे देते हैं। हत्ता के आज को अल्लाह माफ करे, इसी हफ्ते के अंदर वाकया है कि एक आदमी ने, एक लड़के ने वालदा से पैसे मांगे, वालदा ने पैसे नहीं दिए तो उनका सर बदन से जुदा कर, माफ करे कि वालिदैन की इस तरह। तो जब हम ये करते हैं तो क्या करना चाहिए, वालिदैन की दुआएं, यानी वालिदैन जो होते हैं उनकी शफ़क़त और रहमत ये है कि वो अपनी औलाद के लिए क्या करें, दुआ करें। तो हदीस पाक के अंदर क्या बताया कि कितने आदमी की, तीन आदमी की दुआ कभी रद्द नहीं होती, कितने की, तीन आदमी की दुआ कभी रद्द नहीं होती। एक क्या है, आदिल बादशाह हो गया, दूसरा मजलूम की, तीसरा वालिदैन की अपनी औलाद के हक में ये दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये चीज यानी औलाद के हकूक थे और वालिदैन के फ़राइज़ थे, तो इसके अंदर वालिदैन के लिए हर इंसान जितनी कोशिश हो सकती है उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी में से ये जितने भी हकूक हैं अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका यहाँ दुनिया के अंदर उनके लिए ये सारे इंतजाम करने के वजह से अल्लाह उनकी दुनिया भी और आखिरत भी क्या कर देंगे, संभाल देंगे। तो आगे बात पूछ लेते हैं कि वालिदैन के हकूक के मुतल्लिक पुरानी आयत का तर्जमा, तो वो आपने लिखना है, उफ़्फ़ु वला तनहरहुमा, वालिदैन को उफ़ तक न कहो और उनको झिड़को नहीं, वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे नरम लहजे से बात करनी है, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहा सुल्ह, और अपनी यानी आजज़ी के कंधे उनके लिए झुकाए रखना है। जब भी उनको किसी काम की जरूरत पड़ती है, आपकी जरूरत पड़ती है, किसी चीज की जरूरत पड़ती है, आप उनके लिए क्या कहूँ, हर वक्त हाजिर हूँ, वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है, अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मेरी बचपन में क्या की है, परवरिश की है। अल्लाह ताला हमें भी अपने वालिदैन के लिए निजात का ज़रिया बनाए, और वालिदैन के लिए दुआएं मुफ़्त करने की, और उनके जाने के बाद यानी कुरान पाक और ज़िक्र अज़कार के ज़रिए उनके लिए दुआएं बनाना और मुफ़्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।